शाम को ना जल्दी आ जाइएगा, मैं वहीं होऊंगी आपके बेटे और अनीशा बीबी के साथ। तुम तो बच्चा हमारे हवाले करके चली जाना चाहती थी, है ना? तो फिर ये घर में आने जाने का क्या मकसद है? ताकि रूही खुद भी आपकी आंखों के सामने रह सके। मुराद आप जानते हैं ना, आपकी कोई बात नहीं मानती रूही, लेकिन अपनी सारी बातें मनवाती है आपसे। चलाक हो गई है ना रूही। आओ रूही, आओ, आ जाओ। मैंने तुम्हें बेबी के साथ वाला रूम ही दिया है, ताकि अगर बच्चे को किसी भी किस्म की जरूरत पड़ती तो हमें से कोई भी पहुंच जाए। कैसा लगा? अच्छा है बहुत। तुम्हें अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे मांग लेना, ठीक है? मांगना रूही की फितरत में नहीं। रूही जिस चीज पर अपना हक समझती है उसे छीन लेती है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि आपने जो हम दोनों के लिए किया है उसका बदला कैसे उतार दूंगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जो खुशी तुमने हमें दी है मैं वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रूही। हमारी जिंदगियों में पहले क्यों नहीं आई? अभी ये कह रही हैं, जब मेरे यहां होने की वजह पता चलेगी तो कहोगी कि तुम आई ही क्यों। फिर से खो गई। बुआ के जाने की वजह से उदास हो? हाँ थोड़ा सा, मगर अब दिल को समझा लिया। मेरी रुखसती के बाद भी तो अम्मा रह रही थी ना अकेली, अब भी रह लेगी। ये बात भी है, बुआ ने कौन सा तुम्हारे साथ रहना था हमेशा। अच्छा भाई, ये है तुम्हारा कमरा, तुम आराम करो, मैं मुराद और बेबी को देख लेती हूँ, और अगर कोई भी जरूरत पड़े फौरन मुझे कह देना, ठीक है? जितना देखना है देखना, फिर तो आपको देखना भी नसीब नहीं होगा, ना साहब जी ना ही बच्चा। वैसे बच्चा आप जाते हुए ले जाएं तो कोई नहीं, मैंने क्या करना है मूसा की औलाद को अपने पास रख। मुझे तो बस दौलत और साहब जी का साथ चाहिए। रूही तेरी तो किस्मत खुल गई।